कोल्हान क्षेत्र में सरदर्द बना कुख्यात नक्सली सुरेश सिंह मुंडा और एरिया कमांडर लोदरो लोहरा उर्फ सुभाष ने मंगलवार को झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। माओवादी जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा, जो भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी की टीम के सक्रिय एवं विश्वास पात्र सदस्य और मारक दस्ता का सदस्य है, वो जोनल कमांडर के रूप में काम करता था। सर्वप्रथम तो मैं सभी का आज के इस आत्मसमर्पण के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के बलों को आज पुनः जो है एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, और झारखंड डीजीपी महोदय के दिशा निर्देश और नेतृत्व में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, अन्य हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनके द्वारा झारखंड को नक्सलवाद मुक्त करने के लिए नक्सलवाद के विरुद्ध चौतरफा कार्रवाई की जा रही है। इसमें एक और सटीक आसूचना आधारित अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत बड़ी सफलता विगत दिनों में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम को मिली है, चाहे वो लोहरदगा, लातेहार, गुंडला का सीमावर्ती क्षेत्र हो या पारसनाथ, पलामू या रांची, चैबासा, खूंटी और सरायकेला का क्षेत्र हो। कई सारे नक्सली कमांडर्स जो इनामी हैं वो पकड़े गए हैं या मुठभेड़ के क्रम में मारे गए हैं। इन्हीं पुलिस के अभियानों के क्रम में बहुत भारी मात्रा में हथियार और अन्य जो एम्युनिशन और अन्य सामान जो है वो भी बरामद किए गए हैं। इसी पूरी स्ट्रेटजी का एक महत्वपूर्ण अंग हिस्सा जो है झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति भी रही है, और इस पुनर्वास नीति का प्रचार प्रसार पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, अन्य एजेंसीज के द्वारा लगातार सुदूर क्षेत्रों में किया जा रहा है। जो नक्सली समाज की मुख्यधारा से भटककर हिंसा के रास्ते में चल रहे हैं, उनके घरों तक हम लोग पहुंच रहे हैं, और उनके घर वालों को, उनके गांव वालों को भी हम लोगों ने इस नीति के बारे में समझाने का काफी प्रयास किया है। एक बृहद अभियान छेड़ा गया है और उसके फल जो है हमें लगातार प्राप्त हो रहे हैं। विगत दिनों में कई सारे शीर्ष नक्सली कमांडरों के द्वारा, कैडर्स के द्वारा पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। आज इसी कड़ी में पुनः ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि संयुक्त बलों को प्राप्त हुई है, जिसमें जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा, जो कि 10 लाख का इनामी है, और मिसिर बेसरा, जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, माओवादियों के टॉप मोस्ट लीडरशिप में आता है, उसके मारक दस्ता का कमांडर रहा है, और खासकर कोल्हान, पुड़हाट और ट्राई जंक्शन के क्षेत्रों में संगठन की पैठ बनाने के लिए और संगठन को मजबूत करने में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, एवं उस क्षेत्र में संगठन के लिए विगत 25 वर्षों से जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, ये जो सुरेश सिंह मुंडा है जोनल कमांडर, इनके द्वारा आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। ये इस आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति की बहुत बड़ी सफलता हम मानते हैं। साथ साथ लोदरो लोहरा, जो कि एरिया कमांडर है, 2 लाख का इनामी है, उसके द्वारा भी इस नीति के तहत आज
झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। दोनों जो शीर्षस्थ नक्सली कमांडर हैं, उनके खिलाफ झारखंड के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई नक्सली कांड दर्ज है। सुरेश सिंह मुंडा के खिलाफ कुल 67 केस चैबासा, रांची, खूंटी, सरायकेला के क्षेत्रों में दर्ज है। साथ साथ लोहरा के खिलाफ कुल 54 कांड दर्ज है। और इस पूरे अभियान में मैं निश्चित रूप से ये बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे ग्राउंड कमांडर्स हैं, जो हमारे एसपी चैबासा है, कमांडेंट 60 बटालियन श्री आनंद जी, एसपी चैबासा श्री अजय लिंडा जी, जोनल आईजी रांची श्री पंकज कंबोज जी, डीआईजी एसटीएफ श्री अनूप पिरथरे जी और सीआरपीएफ के हमारे सेक्टर आईजी सर श्री राजीव सिंह जी, इनका सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं खासकर चैबासा की टीम जो है, पूरे चैबासा पुलिस परिवार और सीआरपीएफ का जो वहां पे हमारा पूरा टीम है, उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जैसा कि सुरेश और लोधरो ने बताया कि विगत के दिनों में जो पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ के द्वारा उस क्षेत्र में जो लगातार दबिश बनाई जा रही थी, लगातार अभियान चलाए जा रहे थे, सटीक सूचना आधारित जो अभियान चल रहे थे, जिसकी तपिश नक्सली दस्ते तक पहुंच रही थी, कई सारे दस्ते के सदस्य दस्ता छोड़ के भाग गए, कई बार मुठभेड़ हुई जिसमें कि लोग दस्ते के जो सदस्य थे वो पुलिस की गोली से बाल बाल बचे। और साथ साथ जो संगठन की जो स्थिति है, संगठन में जो शोषण है, संगठन में जो अव्यवस्था है, उससे सभी त्रस्त थे। और इसी समय जब ये झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके बारे में इन्हें पता चला और ये जो हमने बृहद अभियान छेड़ा हुआ है सुदूर क्षेत्रों में, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सीआरपीएफ झारखंड पुलिस के एक एक जवान जाकर उन गांव-गांव में इस नीति के बारे में लोगों को बता रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि लोग हिंसा का रास्ता छोड़े और मुख्यधारा में आए, और वो बात इन तक पहुंची, इनके दिल को भाई, और इनके उसके बाद इनके परिवार वालों ने इनको समझाया, इन्होंने भी अपने बाकी लोगों से बात की, फिर वो अफसरों के संपर्क में आए और उसके बाद इन्होंने आज झारखंड सरकार के समक्ष, झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया है और आगे की न्यायिक प्रक्रिया से ये गुजरेंगे। तो मैं पुनः सभी को जो इस पूरे अभियान में शामिल थे बहुत बहुत बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो पुलिस को मिली है, सीआरपीएफ को मिली है, मैं सभी को बधाई देता हूं। और मैं राजीव सिंह सर से 2 मिनट बात करने के लिए आग्रह करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं सुरेश सिंह मुंडा और लोधरो लोहरा का मेन स्ट्रीम में आने के लिए स्वागत करता हूं। पहले भी मैंने इसी मंच से आपके माध्यम से सब जगह बताया था कि ये जो झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है उसके तहत कई लोग आकर्षित हो रहे हैं और पथभ्रमित लोग वापस आ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो लोहरदगा और बुलबुल पेशरार में जो अभियान चला, और उसके बाद आपने देखा होगा कि बिमल जो बूढ़ा पहाड़ के थे, अभी सुरेश सिंह मुंडा जो इधर मिसिर बेसरा के मारक दस्ता के ये हैं, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि महाराज प्रमाणिक उसने यहाँ सरेंडर किया। तो ये सारे क्षेत्र जो जहाँ जहाँ पर थोड़ा बहुत इनका इन्फ्लुएंस है नक्सलों का, सारे क्षेत्रों में इस पुनर्वास नीति का, आत्मसमर्पण नीति का, इससे लोग आकर्षित हो रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हर जगह पड़ेगा।
तो हम लोग ये चाहते हैं हमारी अभियान जो है वो चलती रहेगी, हम लोग चलाते रहेंगे, लेकिन फिर भी मैं सभी से ये आह्वान करूंगा कि अब आप लोग वापस मेन स्ट्रीम में आए और देश के उत्थान में शामिल हों। तो मैं फिर से एक बार इन दोनों का स्वागत करते हुए मैं अपने संक्षिप्त भाषण को समाप्त घोषित करता हूं और पंकज कंबोज जी से कुछ ये जो हम लोगों की चाईबासा की टीम है उसने इसमें काफ़ी मेहनत की है और उनके परिवार को जो आत्मबल देना चाहिए था वो दिया गया है और झारखंड पुलिस पर पुनः जो है जो नक्सली छोड़ के आ रहे हैं उन्होंने फिर से विश्वास जताया है और पहले जो सरेंडर किए हैं उनको जो जो सरेंडर पॉलिसी के तहत नीति है उसके अनुरूप उनको लाभ मिल रहे हैं और इनको भी मिलेंगे और ये चाईबासा के लिए और कोल्हान क्षेत्र के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी बचे हुए दस्ता सदस्य हैं, कमांडर्स हैं, वो भी जल्द से जल्द सरेंडर करें। इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है और यदि सरेंडर नहीं करेंगे तो जो हमारी दूसरी नीति है अभियान को और तेज किया जाएगा और पुनः जो है जैसे आपने लोहरदगा में देखा, गुमला में देखा, कई जगह पे लगातार पुलिस के साथ एनकाउंटर हो रहे हैं तो उस रणनीति के तहत भी हम लोग काम करेंगे। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि जो बचे हुए दस्ता सदस्य हैं वो आके झारखंड पुलिस के समक्ष, झारखंड सरकार के समक्ष सरेंडर करें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।